हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आपको पता है कि केवीपीवाई किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। तो कैसे आप उसको सबमिट करेंगे, किस तरह से आप वो फॉर्म फिल करेंगे, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केवीपीवाई 2020। तो यहाँ देखिए, ये देखिए जो आप साइट ओपन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना 2020। देखिए ये केवीपीवाई, यहाँ देखें तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर केवीपीवाई 2020 मस्ट बी डन ऑनलाइन ओनली। तो देखिए आपको एक खास बात यहाँ बता दी गई है कि यहाँ पर क्या आ रहा है कि ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ऑनलाइन ओनली। उसके बाद देखिए जो स्टेप्स हैं, किसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, वो क्या है स्टेप्स। पहला स्टेप, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। पहला हो गया रजिस्ट्रेशन, पहला रजिस्ट्रेशन। सेकेंड जो है वो देखिए आप स्टेप टू, स्टेप टू में फिलिंग पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल, चूजिंग टेस्ट सेंटर, अपलोडिंग फोटो। यानी कि अब आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहां से हम देखेंगे। तो देखिए एकेडमिक डिटेल सारा पूरा हम आपको बताएंगे, टेस्ट सेंटर चूज करना है, अपलोडिंग फोटो यानी आपको फोटो चाहिए। और आप ये ध्यान रखें जो फोटो होती है हमेशा फ्रंट की होती है, मीन दोनों ईयर आपके विजिबल हो, उसके अलावा फोटो 6 मंथ से पुरानी न हो, ये आपको इसमें खास ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेप 3 में देखेंगे कि पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। यहां पर आपको क्या देखना है, ऐ केवीपीवाई एप्लीकेशन पोर्टल पर ही इसको सबमिट आप करवा सकते हैं, और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, ATM, डेबिट कार्ड और यू आल्सो यूज नेट बैंकिंग। इसके अलावा कोई भी नो अदर पेमेंट मोड, कोई दूसरा पेमेंट मोड नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें जो एप्लीकेशन फी क्या क्या रहेगी, एप्लीकेशन फी देखिए यहां पर फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1250 रुपीज, एंड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी यहां पर देखें 625 रुपीज है। तो ये फी आपको बताएं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इट इज स्ट्रॉन्गली रेकमेंडेड दैट कैंडिडेट केयरफुली रीड इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आप फॉर्म फिल करने से पहले, कोई भी फॉर्म हो, आप हमेशा इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ें। उसके बाद देखिए यहां हम आगे दस चलेंगे। उसके बाद देखिए जो टेस्ट है विल बी हेल्ड ऑन, फिर मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, ये क्या कौन सा मोड है, दिस इज ओनली ऑनलाइन। यहां पर आप देखेंगे फॉलो एक्स का इंडिया, ये सेंटर अभी बता रहे हैं ऑनलाइन मोड होगा इसका केवल और केवल। और जो सेंटर है वो देखिए वो कौन से सेंटर है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, यानी जो लेकिन हमारा जो रीजन पड़ रहा है वो हम यहाँ पर ज्यादा फोकस करेंगे, हालांकि थोड़े बहुत हम आपको और भी बता देते हैं, लेकिन हमारा रीजन ये पड़ रहा है। तो जो हमारे टेस्ट सेंटर है वो देखिए चंडीगढ़, उसके अलावा न्यू दिल्ली हमारे नजदीक है, अंबाला भी आप फील कर सकते हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, ये देखिए हिसार में भी सेंटर है, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, ये रीजन जो अपना रीजन है वहां पर। उसके अलावा आप देखिए जे एंड के में भी है काफी जगह, ये आप साइट में भी देख सकते हैं, और जब ये अपने यही पुस्तक है। उसके अलावा आप देखिए नोएडा भी है, यहाँ पे देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, ये तो है ही है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको बताया इस नोट में बैंक, ये यहाँ पर है पटना है, मुजफ्फरपुर है,
बिहार, उसके अलावा बिलासपुर सोई, उसके बाद देखें धनबाद वगैरह, ये हमारे नहीं, जो हमने मेन यहाँ बताया आपको, इसी तरह साउथ के अंदर है। उसी तरह आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, सॉरी वेस्ट और सेंट्रल रीजन में है यहाँ पर। तो ये हमारे आ गए सेंटर, तो मेन हमारा रीजन पड़ता है ये रीजन। इसके मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से सुन ले तो रीजन को, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक भी सेंटर है, सोनीपत ये हरियाणा में, और नियर बाई जैसे दिल्ली में ये टेस्ट सेंटर आपके होंगे, ऑनलाइन होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखो यहां पर मॉक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ केवीपीवाई एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी आपको मॉक टेस्ट जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे केवीपीवाई की साइट के ऊपर। इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो जो इंपोर्टेंट डेट है वो क्या क्या है, देखिए इंपोर्टेंट डेट्स में ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं 6th of September से। यदि हम क्लोजिंग की बात करें तो 5th of October को ये क्लोज हो जाएंगे। इधर यदि यहां पर देखते हैं एडमिट कार्ड देखे जाए तो एडमिट कार्ड है जो कि आपके सेकेंड वीक ऑफ जैन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और एग्जाम डेट जो रहेगी वो 31st ऑफ जैन है, यानी 31st जनवरी को आपका एग्जाम होगा। अब यानी कि और देखिए यहां पर हम देखते हैं, इसके लिए आप अपना जो हेल्पलाइन टेस्ट है वो आप याद रखें, क्या क्या है, आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल जो करने का टाइम है वो देखिए साफ साफ मेंशन है 10 AM टू 5 PM तक आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नंबर मैं आपको बता देता हूं 080 2293 29 2293 2975 2975 और 76। उसके अलावा दूसरा भी है 080 कोड रहेगा 2293 5 3 6, ये दूसरा मोबाइल नंबर है, सॉरी दूसरा नंबर है जिसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेल भी डाल सकते हैं, मेल एड्रेस भी आप नोट कर सकते हो, एप्लीकेशन @iisc.ac.in, ये इसकी मेलिंग एड्रेस है जहां आप मेल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद यदि हम आए वापस तो यहां हमने आपको जैसा कि बताया था कि कैंडिडेट केयरफुली विद इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन केवीपीवाई, यहां भी हम आएंगे फेलोशिप समरी के ऊपर भी, थोड़ा यहां एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां जाते हैं तो ये देखिए फिर हमारे सामने में पेज ओपन हो गया है जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए फॉर केवीपीवाई एप्टीट्यूड टेस्ट 2020 के लिए। फिर मैं आपको बता दूं किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना, अब देखिए इसमें क्या क्या कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू, अब देखिए क्या क्या आपको याद रखना है, क्या क्या आपको चाहिए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल केयरफुली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। तो इसके लिए आप पहले अपने पूरी डिटेल आप एक परफॉर्मा लेके उसके ऊपर फिल कर लें, इंपॉर्टेंट बात है ये। उसके बाद आपके पास देखिए वैलिड ईमेल एंड मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी, आपके लिए वैलिड मींस ईमेल एड्रेस तो हर बच्चे की होनी ही होनी चाहिए, मोबाइल नंबर। उसके अलावा और देखिए इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, देखिए उसके बाद जब आप क्या करेंगे फॉर्म फिल करेंगे आफ्टर रिसीव
रजिस्ट्रेशन ऑन योर ईमेल, यानी आपके कंफर्मेशन आपकी मेल के ऊपर आएगा। एंड मोबाइल यू मे लॉग इन विद, यानी आपके मोबाइल और मेल ईमेल के ऊपर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा। ये ध्यान रखना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका आपकी मेलिंग मेल एड्रेस और मोबाइल के ऊपर आएगा। उसके बाद और क्या करना है, उसके बाद एप्लीकेशन भरने से पहले बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड केयरफुली वेरीफाई द डाटा। मैं जो बार बार आपको बता चुका हूं कि आप अपना परफॉर्मा जरूर बनाएं, जो चीजें मैं बता रहा हूं। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेसेस रहेंगी, थोड़ा बता भी चुके हैं क्या क्या रहेंगी, देखिए उसके लिए आप ध्यान दें। देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए रजिस्ट्रेशन लॉगिन जो आपकी मेल के ऊपर आएगा, पर्सनल डिटेल मैंने आपको बताया आपकी खेल की, एकेडमिक डिटेल पर थोड़ा हो रहा है कि कौन कौन एलिजिबल है, अपलोडिंग ऑफ द फोटो, ये सब सिग्नेचर होने चाहिए और डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा फी आपको फिल करनी है। अब देखिए बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट विल रिक्वायर अ सॉफ्ट कॉपी, किस किस की चाहिए, देखिए आप किसके अंदर जेपीजी फॉर्मेट में आप क्या रखेंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसका साइज आप खुद भरना चाहते हैं तो आप खुद भी भर सकते हैं, मोबाइल से भर सकते हैं, लेस देन 150 KB, ये देखिए साइज बताया गया है। यहां पर आप अपना जो मोबाइल के अंदर ऐप डाउनलोड करके फोटो रिसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए सिग्नेचर लेस देन 80 KB, ध्यान रखें, पहले मैं बता देता हूं आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। उसके अलावा देखिए कैंडिडेट इंश्योर बोथ फोटोग्राफ आर सेव लैपटॉप या जो जिसमें भी आप भर रहे हैं वो आप क्या कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है उनको अपना क्या भरना है, कास्ट सर्टिफिकेट भरना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और जो होना चाहिए 300 KB से कम, लेस देन 300 KB, तो हमारी इंपॉर्टेंट दो तीन बातें आई, क्या क्या बताया कि आपके जो क्या फोटो का साइज 150, देन सिग्नेचर 80 KB और जो आपके सर्टिफिकेट है इन केस ऑफ एससी, देन एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी उस केस में सर्टिफिकेट का जो साइज है 300 KB तक होना चाहिए। Then eligibility for various scheme offered है, just अभी just बता रहे हैं आपको। उसके बाद देखिए और क्या ये बता रहा है, payment तुरंत ही बात कर दें, payment method हम आपको पहले बता चुके हैं क्या क्या है, बिल सुविधि, क्रेडिट कार्ड, ATM, ठीक है, नेट बैंकिंग etc. उसके बाद after successful payment, ध्यान से सुनेगा, जो पेमेंट आपने की उसके बाद जो ट्रांजैक्शन डिटेल है डिस्प्लेड आपकी डिस्प्ले हो जाएगी कि आपकी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। एंड यू मस्ट आप क्या करेंगे, नोट डाउन द ट्रांजैक्शन डिटेल, एक बार पेमेंट होने के बाद वो रिफंडेबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हम नेक्स्ट में देखें कोई भी, ये तो उसमें बता रखे कि भाई आप क्या करेंगे सिविल कम्युनिकेशन और अदर क्या किसी भी सर्कमस्टांसिस में कोई भी राइट है जो भी कि भाई एग्जाम को उनको पोस्टपोन करना है, एग्जाम की डेट है या कुछ चेंज करना है, वो सब किसके पास है, वो बोर्ड के पास है। उसके बाद देखिए एग्जाम सेंटर चेंज भी हो सकता है, सब करने के बाद अब यहाँ बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा वापिस एक बार चलते हैं। यहाँ में देखा था कैंडिडेट कैन क्लिक देयर एलिजिबिलिटी फॉर गिवन लिंक, यहाँ देखिए तो वही चीजें फिर आ जाती हैं जो हमने आपको बताया था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा आपको क्या कुछ मिलेगा, इसमें क्या कुछ रहेगा, देखिए कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको अमाउंट मिलेगी, वो सब आपको हम बताते हैं। ध्यान से देखिए जो टेस्ट है
कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसमें स्ट्रीम दी गई है वो कौन सी है, यहां ध्यान से देखिए इसमें आते हैं स्ट्रीम एससी। एससी में कौन कौन आते हैं, जो स्टूडेंट इनरोल्ड इन 10+1 यानी जो बच्चे अभी जिन्होंने 10th क्लियर की है, 10th से जो पहुंचे हैं 10+1 में, और जिन्होंने देखिए 10+1 स्टैंडर्ड ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर ऑफ यानी अभी एंड हैविंग स्कोरिंग ए मिनिमम ऑफ, अब देखिए ध्यान से सुनिए, 75% मार्क्स चाहिए इन एग्रीगेट, किसकी किसके अंदर चाहिए वो मैथ्स और साइंस के अंदर, कहां 10th स्टैंडर्ड के अंदर। ये ध्यान रखें कि वहां आपके क्या है मार्क्स, जो किस में मैथ्स और मैथ्स एंड प्लस साइंस में आपके एग्रीगेट 75% हो, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए वो क्राइटेरिया रखा गया है 65%। तो एक बार के लिए भी उसके बाद फिर है कि जो स्टूडेंट सिलेक्टेड अंडर दिस स्ट्रीम विल बी जो क्या एक्टिवेटेड ओनली इफ दे ज्वाइन, बहुत खास बात है यहां पर कि ये जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं और सिलेक्ट होने के बाद यदि ये आगे देखिए एक्टिवेटेड मींस इनको फेलोशिप मिलेगी only if they join undergraduate course in basic science BSc यानी BSc, BS, statics, maths, etc. और MS means आप higher education तक ये आपको scholarship मिलती रहेगी, but आपको यही courses में जाना पड़ेगा in academic year देखिए 2022-23 having secured a और एक condition है कि ये तो है ये आपको करेंगे, लेकिन उसमें आपको कंटिन्यू भी आपको क्या लेने पड़ेंगे 60% मार्क्स लेने पड़ेंगे, जबकि जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 50% सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए उसके साथ मार्क्स इन एग्रीगेट इन साइंस सब्जेक्ट इन प्लस टू स्टैंडर्ड, ये क्या बताया प्लस टू स्टैंडर्ड में भी ऐसा ही रहेगा ड्यूरिंग, उसके बाद तो ये टाइम चलेगा, उसके बाद देखिए ये क्या रहेंगे इनएक्टिवेटेड फॉर। अब यदि क्या होगा इसका क्या होगा मार्क्स ये रहे और ड्यूरिंग का जो ये टाइम रहेगा वन ईयर दे विल बी क्या इनवाइटेड फॉर नेशनल साइंस कैंप, यानी इसका मतलब ये है कि आपको वो क्या कैंप्स में भी बुलाएंगे। उसके बाद देखिए SX स्ट्रीम, दूसरी स्ट्रीम आपको बताइए कौन सी SX स्ट्रीम, SX स्ट्रीम में वो बच्चे एलिजिबल हैं जो 10+2 स्टैंडर्ड में अभी एप्लीकेबल मीन अपीयर है, वो भी क्या कर सकते हैं एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं किस यानी एट परसेंट 2021-22 यानी प्लस टू के स्टूडेंट हैं वो भी अपीयर हो सकते हैं किस स्ट्रीम में बताया स्ट्रीम ऑफ किसके अंदर एसएक्स स्ट्रीम, एसएक्स स्ट्रीम। उसके बाद देखिए देन बात फिर वही आ जाती है, देखिए एसएक्स स्ट्रीम हो गया 10+2 स्टैंडर्ड आपको बताया ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 2020-21 और वही सेम आगे वही बताया कि जो आगे प्रोग्राम होने चाहिए देखिए यहां पर बेसिक साइंस भी यहां पर बताया कि एंड एस्पायर टू ज्वाइन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ बेसिक साइंस और उनको भी क्या लेना पड़ेगा बेसिक साइंस जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी ड्यूरिंग बीएससी और एमएससी। उसके बाद देखिए उनके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है जैसे कि हमने देखा था किसके लिए क्राइटेरिया था जो 10th स्टैंडर्ड के लिए था मतलब 10th में क्या है उसी के आप कंपेयर करके देख लीजिए कि देखिए ये 75 यहां पर है 75
और यही फिर यहां रखा गया है 75, लेकिन यहां 65, यहां भी 65 बाकी के लिए। मैथ्स और साइंस फिर वही बात आपको यहां बता दी गई है एग्रीगेट की। कब साइंस में कौन से आ जाते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, यानी मेडिकल या नॉन मेडिकल, बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार आ जाता है कि केवीपीवाई मेडिकल के बच्चे एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट देखें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ गए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाता है, सेम बातें वही बता रखी कि आपको क्या करना पड़ेगा, बीएससी और एमएससी भी कंटिन्यू नी सब्जेक्ट से करने के लिए साइंस के लिए, या देखेंगे कि आपको क्या बताया। देखिए प्रोग्राम बीएससी बीटेक, सॉरी बीटेक नहीं है बिल्कुल भी, यानी यहां पर आपका क्या है बीएससी मैथ्स, एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स भी शामिल है इसके अंदर। उसके बाद देखिए याद रखा बेसिक साइंस नेमली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एटसेट्रा। उसके बाद देखिए फिर आता है एसपी स्ट्रीम। एसपी में कौन आ जाते हैं? इन एसपी स्ट्रीम एनरोल्ड फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब उसमें देखिए बीएससी के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उनके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? आर ऑफ देखिए सिक्योर 60% एंड 50% और इसके लिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी। अब उसके बाद देखिए एम्पावरमेंट इनिशिएटिव इन केवीपीवाई फॉलोशिप प्रोग्राम क्या है, इसके अंदर देखिए क्या क्या बताया गया है। क्यों बच्चों को देखिए अ सर्टेन नंबर ऑफ एडिशनल फॉलोशिप एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट बिलोंग टू एससी एसटी कम्युनिटी, ठीक है, अ सर्टेन नंबर ऑफ फेलोशिप अंडर वेरियस स्ट्रीम स्टार्टेड विल बी ऑपरेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर अ स्टूडेंट अंडर कैटेगरी ऑफ द पर्सन विद क्या डिसएबिलिटी, यानी उनके लिए भी क्या है ये थोड़ा सा क्या किया गया, इंपॉवरमेंट किया गया, कुछ कंसेशंस वगैरह दी गई हैं। वो फिर वही बात बता दी कि इनरोल होनी चाहिए किसके अंदर। अब हम बात करते हैं किसकी आगे। देखिए आप यदि हम यहां देखते हैं कि क्या क्या मिलने वाला है, तो यहां देखिए यहां आता है कि जो बेसिक साइंस एस ए एस एक्स और एस बी को क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, तो मंथली स्कॉलरशिप है 5000 रुपीस। देखिए कब, फिर बताता हूं, ईयर ऑफ बीएससी, बीएस, फिर बीएससी स्टैटिक्स मैथ्स और इंटीग्रेटेड एमएससी, मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब आप इकट्ठा जब करते हैं उसके दौरान आपको ये मंथली और एनुअल जो कंटिजेंसी ग्रांट है वो 20,000 का रहेगा। ये पर ईयर का ही पर ईयर। उसके बाद देखें उसमें आता है एसए एसएक्स और एसपी ड्यूरिंग एमएससी 4 to 5 ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड एमएससी एमएस मैथ्स एमएससी मैथ्स और एमएससी स्टैटिक्स के दौरान क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वो रहेगी 7000 एंड और जो कंटिजेंसी ग्रांट है वो रहेगा 28,000। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको बता रखी है। उसमें ये फिर जो हमने अभी जस्ट बताया आपको, देखिए यहां बता रखा है कैंडिडेट दैट ऑल्सो शुड ऑब्टेन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एवरी ईयर। ये वही चाहिए, 60% तो आपको लेने ही लेने हैं, जबकि एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी को लेने हैं 50%। उसके बाद देखिए कि केवीपीवाई फेलोशिप अप टू, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात फिर हमारे सामने आ रही है, अप टू देखिए प्री पीएचडी लेवल और 5 ईयर विच एवर इज अर्लियर, या 5 साल, या देखिए अप टू प्री पीएचडी लेवल तक ये फेलोशिप जो भी पहले हो जाए वहां तक आपको ये मिलेगी, ठीक है। ये सारी वही बातें फिर आगे इसको समराइज कर दिया गया है प्रोग्राम को, ये आपको बताया गया है यहां पर। उसके बाद देखिए कि यहां भी
हमारे सामने वही चीजें आ रही हैं सामने जो जस्ट अभी आपको बताई थी। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये हमारा प्रोग्राम बताया आपको कंप्लीट इसके बारे में। उसके बाद देखिए यहां आप देखते हैं और इसमें कुछ ऐसा, उसके बाद आप फोर रजिस्ट्रेशन आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो यहां पर देखिए आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपको कहां आ चुका है, आपको आ चुका है आपकी मेल के ऊपर। उसके बाद अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप डाल के आप प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यदि आप देखिए यदि आप रजिस्टर कर चुके हो, नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहां से आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, न्यू है तो उसमें आप देखेंगे कि अभी ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये सारी चीजें वही आपके सामने आ गए। तो इस तरह से हमने आपको बताया कंप्लीट अबाउट KVPY। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि आपको और क्या क्या इसके बारे में जानना है। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे क्या उनकी डिटेल है, कैसे वो कंडक्ट होते हैं, मींस कैसे आप उनको क्या अच्छे से प्रिपेयर करें, उन सब की डिटेल हम आपको डालते रहेंगे। प्लीज मोर अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।